वचन दास गुरुदेव के और चरण नवाऊं शीश, भैरव गिर स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष। रतन दास महाराज की ये जी कथा सुनो धर ध्यान, सुने श्रवण से ध्यान दे सुबह को हुई कल्याण। कीरति सिंह अज्ञान की सदा रखो स्वामी लाज, भूल चूक हो लिखत में करो माफ महाराज। हाँ तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता बहनों, आइए हम ये कमल कैसेट के माध्यम से आप लोगों की बेहद डिमांड पर और ये पटियावारे बाबा की जीवन कथा कहने के लिए जा रहे हैं श्रोताओं, आइए गौर लगाइए, बड़ा ही आनंद आएगा। कि लई लेखनी हाथ वीर बजरंग मनाता हूं, रतन दास महाराज की महिमा गाई सुनाता हूं। पहली बार में सबसे पहले जो कि बल बुद्धि के भंडार है उस पवन पुत्र हनुमान की आराधना करता हूं कि हे स्वामी, मेरे बुद्धि को संभाल के रखना, क्योंकि मैं एक ऐसी पावन पवित्र कथा कहने के लिए जा रहा हूं जो कि मेरे मुखारविंद से कोई गलत शब्द नहीं निकले। रतन दास महाराज की महिमा गाई सुनाता हूं। अरे ध्यान मेरे गाने पे दियो। आइए श्रोताओं, कथा को सुनिए एक चित करके आप लोग काम वासनाओं को छोड़ करके कथा पर ध्यान दीजिए। आइए हमारे गुर्जर वंश में कैसे कैसे महान आत्माएं पैदा हुई जो कि आज कलयुग में भी उनका नाम रोशन है। अरे ध्यान मेरे गाने पर दियो, ए भूला चूक हो मां फलवस्ते श्रोता जन लियो। अमीर जम के सदा ये बड़ी पवित्र कथा है। मैं अपने सभी श्रोता जनों से निवेदन करूंगा कि भैया एक मेरा उत्साह बढ़ाया हुआ आपका ही है, और हमेशा मैं सोचता हूं कि आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। आइए मेरे गाने पर ध्यान दीजिए कि मैं
एक महान मूर्ति की गाथा कहने के लिए जा रहा हूँ। अगर मेरे से गाने में या लिखने में भूल चूक हो तो उसे माफ करना। अरे सुनो सब अजब कहानी है, कीरत सिंह लाई कलम सुमेरे जगत मबानी है। ओ कीरत सिंह लाई कलम सुमेरे जगत मबानी है। हे भवानी, हे जगदम्मा, हे पुस्तक बीड़ा धारणी, हमेशा मेरे कंठ पर विश्राम करना। मैं अज्ञान हूँ, मुझे भूलना नहीं माँ। एक कीरत सिंह लाई कलम सुमेरे जगत भवानी है। अरे सुने से दुख मिटे सारो। भैया मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी आत्मा बोल रही है कि अगर इस कथा को सुनने से लोगों के दुख से छुटकारा मिलेगा। अरे सुने से दुख मिटे सारो। एक बार सब जुर मिली बोलो बाबा को जयकारा। भैया लगाइए अब गौर श्रोता जन, कथा अब मैं शुरू करता हूं कि हमारे स्वामी रतनदास जी किस भूमि पर कहां पैदा हुए थे। अहो भाग्य उस गांव के हैं जिनमें ऐसे सिद्ध पुरुषों ने अवतार लिया। आइए उनकी तपोभूमि का भी नाम बताऊंगा और जन्म भूमि सुनो। धन्य ऐसे माता पिता के लिए जिनकी कोख से ऐसे सिद्ध पुरुषों ने अवतार लिया। आइए लगाइए गौर भैया। सांख नदी के निकट ही एक जरारो गांव, जन्मे गुर्जर वंश में रतनदास शुभ नाम। भैया साख नदी के पास में जो जरारो गांव है वो हमारे स्वामी रतनदास की जन्मभूमि थी। उस जन्मभूमि में पैदा हुए थे, कौन सी सन में हुए सुनिए। संबद 1948 का किस्सा करूं बखान। अगहन सुदीतित पंचमी सोलयो जन्मे सिद्ध महान। भैया संबद 1948 में अगहन के महीना में पंचमी के दिन हमारे रतनदास जी महाराज का जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ हाय हाय उसी दिन से घर में मंगल चार होने लगे। सब जरारो गांव ही स्वतंत्र हो गया, ज्यादा क्या कहूं। आगे सुनिए भैया। माता पिता के पुण्य से लियो स्वामी ने अवतार।
शुद्ध सिद्ध पुरुषों का जन्म होता है। माता पिता के पुण्य से लियो स्वामी ने अवतार, पिता छोड़े सुर पुर गए और रह गए माता कुमार। हमारी इतिहास लेख बताता है कि हमारे स्वामी रतनदास महाराज बाल अवस्था के ही थे, तो उनके पिता चतुर्भुज सिंह उन्हें छोड़ के स्वर्ग पर को चले गए। उनकी माता विजय कुमार और रतनदास दोनों रह गए। हुआ क्या, घर गृहस्थी के भार से माता रहती उदास, करण नौकरी भेज दे एक सेठी के पास। लोगों से पुरजनों से हमने जो कहानी सुनी सो आपके कानों तक पहुंचा रहे कि जब पिताजी उन्हें छोड़ के चले गए तो मैया अकेली थी, मैया को बड़ी चिंता ग्रस्ती की पड़ गई और रतनदास महाराज जी को नौकरी करने के लिए नूराबाद भेज दिया। एक सेठ के यहाँ नौकरी पे सेठ ने रख लिया। आह देखिए आश्रोता, तुम्हारे ध्यान को कहां ले जा रहा हूं। एक सिद्ध आत्मा और क्या कर रही थी, अरे सेठ के करी नौकरी बन गए के स्वामी गाड़ीवान। जम के रामवीर सेठ के यहां नौकरी करने लगे, मेरे स्वामी का कार्य क्या करना था, वो सेठ के यहां गाड़ी चलाते थे। दया के थे वो भंडारी, जय हो स्वामी जय हो। बोलिए रतनदास महाराज की, दया के थे वो भंडारी, करत पर स्वारत थे भारी। रामवीर भैया ऐसे समझो मानो ईश्वर का अवतार था, दिल में दया की खान थी खान, अपनी चिंता नहीं करते थे लेकिन दूसरे के दुख को नहीं देख सकते। सेठ के नौकरी करते थे, अपनी बिल्कुल चिंता नहीं थी। अगर कोई हम जैसा तो जैसो मिल गो गरीब, अगर उससे कुछ कमी दिखाई दी तो स्वामी उसे दे देते। अरे लुटाए देता सभी नौकरी बन गए के स्वामी गाड़ी वाला।
सकते। अरे वस्त्र ही न जो कौए लख लेते, रामवीर मेरे स्वामी का हृदय इतना कोमल था, अगर कोई गरीब वस्त्रहीन है क्या करते, वस्त्रहीन जा कौए लख लेते। अरे उतार कपड़ा अपने देते, अरे सेठ की लड़ाती जो करी बन गए के स्वामी गाड़ी वाला। स्वामी अपनी चिंता नहीं करते थे, पर स्वार्थ में वस्त्र जूता बांट देते। सेठ कहता, अरे तुम रोजाना कपड़ा बनवाते हो, रोजाना तुम्हें जूता पहनाता हूं, तुम कहां कर आते हो। जवाब दो, इस बात को मत ही पूछो। कई लोग बागों में बताया, भैया रे ये तो रोजाना वस्त्र जूता का दान किया करता है। सेठ की डोकरी ने जवाब दो सेठ से, सुन इसको यहां से भगा दे, ऐसे गुजर नहीं होगी। क्यों जाके ले रोजाना कपड़ा जूता, हम कहां से लाएंगे। आए हाय, सेठ क्या बोला भैया, ए सेठ कहे ऋषि आई सब बुलाई, सुनो मेरी पानी तू अपनी गुजारा करे, खाई ले रे पाने मत ज्यादा दानी। आज सेठ ने रतनदास को पास बुलाया और जवाब दिया, ए रत्ना हाँ भैया ऐसो मत करे, ज्यादा दानी मत बने, अरे तनी तो कोई नौकरी ना मिले जितना तू खर्चा कर देता है। और क्या किया सेठ ने, यानी रतनदास महाराज की माता बुलाए लई और क्या कहने लगा, माता लई ये बुलाई रहो समझ आई रहो ना मेरा बूता, जाकू कहां ते लाऊ रोज रोज मैं कपड़ा और देखी जूता। इतनी नौकरी नहीं मिलती उतना खर्चा कर देता है, मियो तबू तो नायरो भैया जाए, रोजाना कपड़ा जूता कहां से लाऊं। मैया कुछ न बोल पाई और जो संके लड़का थे वो ठट्टे करने लगे, कैसे भैया, अरे कर रहे लोग बाग सब ठट्टा। बातों कैसे हो ही गुजारो, मैया तेने बहुत बिगारो, लोग बाग जो संके साथी जो लड़का थे
वो ताली पीट पीट के हंसने लगे और कहने लगे, जारू पट्ठा है गो, अरे बिना बाप का लड़का है, जैकऊ की शर्म नहीं। और मैया ते बोले, मैया जी तो तेने बहुत ज्यादा बिगाड़ दो। लेकिन लोगों, बाबा की बुद्धि पर कोई नहीं पहुंचा। ठट्टे तो कर रहे लेकिन ये नहीं मालूम कि ये क्या चीज है। एकदम से हमारे स्वामी रतनदास जी बोले, ए सेठ सुन। क्या बोले भैया? के मति होई सेठ उदास, नौकरी नहीं करनी। बेटा जनवेद, स्वामी के क्या वचन थे? सेठ क्यों उदास होता है? क्यों तूने मैया को बुलाया? मैं तेरी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अरे मति होए सेठ उदास, नौकरी नहीं करनी। मैया खड़ी वहीं और रतनदास जी कहने लगे, सुन सेठ मत घबरा रो, मैं तेरी नौकरी करने के लिए नहीं आया। सुन, जाने चौचुदाई वो चुंगा देगा नहीं, रत्ना घबराता। ना संग लाया ना ले जाता, सब यहीं पर रह जाता। सुनिए भैया, अब उनकी ज्ञान की बात, कितनी ऊंची बात कह रहे थे सेठ से। ना संग लाया ना ले जाता, सब यही पर रह जाता। ना कमी मालिक के पास, नौकरी नहीं करनी। मति होई सेठ उदास, नौकरी नहीं करनी। कहने लगे, सुनो भैया क्यों इतनी बात करता है सेठ? थोड़ा सा भगवान पे भी भरोसा करो, जिसने चोंच दी है वो चुंगा देगा, रत्ना कभी नहीं घबराता। और क्या बोले? ना कोई नौकर ना कोई मालिक, ये झूठा झंझट नाता। ना कोई नौकर ना कोई मालिक, झूठा ये झंझट नाता। ज्यादा मुझे धौंस दिखाता है, ये समझता है ये मेरा नौकर है। ए सेठ, न कोई नौकर न मालिक, संसार का ये माया का चक्र घूम रहा है, क्यों तू इसमें भूल रहा है? क्या बोले? कर ले उपकार पर स्वार, तुम्हें बस यही साथ जाता। स्वार में बस यही साथ जाता।
नौकरी ना करनी, मत होई से उदास नौकरी ना करनी। जवाब दिया बाबा ने, सुन ज्यादा तू मालिक मत बने। अरे क्यों उदास होता है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। जाने चौंच दई वो चुंगा देगा नहीं रतना घबराता। अरे जिसने मुझे जन्म दिया है वो विश्व का रचैया सबका पालन करता। सेठ तू ये समझता है तेरे यहां नौकरी कर रहे से के मैं ही पार लगा रहा हूं। भैया नौकरी को छोड़ दिया। आगे क्या हुआ सुनो। छोड़ी नौकरी चल दिए और गई मात के पास, निकम्मे पन को देख कर सुजननी होती उदास। नौकरी को छोड़ के महाराज रतनदास जी अपनी मां के पास गए। मैया ने जवाब दो, बेटा रतना ऐसे क्या काम चलेगा, तू कुछ काम नहीं करता। बहुत उदास होने लगी मैया। ठीक है नौकरी को छोड़ के चलाया तो एक काम कर ले बेटा, कहा नेक चलो जा खेत पे चिरैया तो उबड़ा दे। हाओ मैया, माता के सुनकर वचन गए खेत पे आई, बैठी खेत की मेरा पैसो रहे हरि ध्यान लगाई। बाबा मैया के वचन मान के खेत पे तो चले गए, लेकिन ये भी आप लोग सोचे जब नौकरी की चिंता न करी तो खेत की उन्हें कहा चिंता आई। खेत की मेड़ पे जाके बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। आवाज लगाई चिड़िया जो आम है बैठे, इनते प्रेम से कहा कह रहे रामवीर कि रामई की चिड़िया रामई को खेत, ये चिड़िया खुआ जाऊ। कहा कह रहे बाबा के मुखारबंद के शब्द हैं ये सुन लो। वो अपने मुख से यही बोलते थे, रामई की चिड़िया रामई को खेत, चुंग ले चिड़िया भरी भरी पेट। लगे मोए मो पे चौगी नच रही है बिड़ रही और कह रहे खूब चुगलो पेट भर भर के, रामई को खेत रामई की चिड़िया मैं कौन हूं तो बिड़ारू। जब मैया ने जब आई सुन पाई, आस पास के जो खेत वाले हंसने लगे, बाओ भैया ओज कैसे सत्यानाशी है गो, जाके पिता नहीं है वो, जाको कैसे काम चलेगो बताओ, खेते चुहाए रहो बैठे। मैया से आएगा कही मैया से रतना ने त्यो खेत उजड़वाए दो शिव चुंगवाए दो चिड़ैयन पे। मैया ने जब ई सुन पाई, खेत चिड़ैया ने दियो चुंगाई। क्या भैया रामवीर बहुत अच्छे। ए खेत चिड़ैया ने दियो चुंगाई, काय करे चिड़िया ने ते हेत, चिड़िया ने ते हेत, चुंगलो चिड़ैया भरे भरे पेट।
सुना खेत उजड़ गो, पास में जाकर के मैया बोली, अरे लाला तूने गजब कर दिया, ये खेत ही चुंगा डाला, अब तू क्या खाएगा। अब मैं ज्यादा बात क्या कहूं, मां एकदम से लाल आंख करके कहने लगी, बता अरे तू मेरे ऐसे पैदा हुआ जो सब ही काम तूने बिगाड़ दे। कहने लगो मैया नाराज मत हो जी, बताते खेत में कितना हो तो। मैया बोली मेरे खेत में कम से कम 20 मन बाजरा हो तो। आय हाय कहा करो बरलई हामी 20 मन की। रामीर भैया भरे लई हामी 20 मन की, बाल चुटाए लई सब खेतन की, ए बाल कटाए लई सब खेतन की। भैया छूच दद्दई छूच खिरान में बिल्कुल कछु नहीं है तो बालन में रामीर। और कहा बोले तू मैया ज्यादा नाराज है रही है, सुन ले ना तेरे घर को बांधों से चुंगलो चिड़ैया भर भर पेट, रामई की चिड़िया रामई को खेत चुंगलो चिड़ैया भर भर पेट। छूच जैसे कुछ नहीं था बालन में, कोरी बाल कटवाए के रखवाए दई। भैया हर के घर की बात तो कौने ना जानी, अरे बा में 22 मन बाजरो भयो, मैया 20 मन दे दो जो दो मन बाजरो बचो। तो बोलो मैया बस जय मत ले जाए, यहीं फेंक दे सुमी चिड़ैया चुंगे। और चिड़िया ने चुंगा करके अब बाबा का भो सुनो, ज्ञान सो लागो अब तो रते प्रभु को नाम, अब तो स्वामी घर छोड़ने लगे श्रोता। अरे ज्ञान सो लागो अब तो रते प्रभु दया की समझो दिल में खान, भैया मगन मन करे प्रभु गुण गान, अरे ध्यानो ऐसो जागो अब तो रटे प्रभु को नाम, ज्ञानो ऐसो लागो अब तो रटे प्रभु को नाम। भैया अब घर गृहस्थी छोड़ के बाबा अब तो मौन बैठ जाओ करे भगवान को भजन करें। आगे क्या हुआ सुनो, एक दिन नूराबाद रामलीला है रही, सो रामलीला देख वे चले गए। क्या हुआ, भरत राम के मिलाप पर स्वामी गदगद हो गई, अथा ज्ञान के सागर में रतन दास जी खो गई। एक दिन नूराबाद में रामलीला का पाठ खेल रहे, जिसमें भरत मिलाप हो रहा था, बाबा भरत मिलाप के पाठ पर ऐसे गदगद हो गए कि बेहोश होकर वहीं पड़े रहे। हुआ क्या भैया, बेहोश होकर गिर गए तन की तो सुध जिन ना रही, पहले जन्म की भक्ति की कुछ यादें दिल में जग रही। मेरे श्रोताओं ये तुम्हें बता दें, एक जन्म में कोई भक्ति पूरी नहीं कर सकता, अरे 3 जन्म की भक्ति होती है जब पूरी होती है श्रोताओं।
बाबा कुछ पहली भक्ति याद आने लगी, हृदय में अपने आप जगने लगी। आगे क्या हुआ सुनो, टेकरी पर पहुंच गए। क्या किया? टेकई पे करो बिसराम रटे सीताराम दिनाय और राती, बाबा की भक्ति दिना दिनाय और दूनी बढ़ती जाती। सिद्धन दर्शन दिए शरण में लिए वचन उच्चारे, तू कराए पर कर विश्राम से तो मिल जाए प्रभु जी प्यारे। जाकर टेकरी पर कुछ दिन भजन किया कई साल तक, तो वहां सिद्ध ने दर्शन दिए और जवाब दिया, रत्ना यहां से तू कराए पे चला जा, वहां तेरी भक्ति दिना दूनी बढ़ेगी, वो तपोभूमि है। आज बाबा इतने वचन सुनकर क्या करने लगे? अरे जब सुनी सिद्ध की वाणी और उठ चल गए तब सो ज्ञानी, बात सुन करके स्वामी रतनदास जी खड़े होकर झाड़ी करे पे पहुंच गए। भैया वहां में शिकारी शेर घूम रहे और बाबा देख देख के और शेर तो मतंग हो गए, और बाबा की भक्ति दिना दिन बढ़ती जाए। अब तो बाबा ब्रज लताम सीताराम समझने लगे। कैसे? ब्रज लता जीव जंतु को समझे सीताराम, तप बल रे बढ़ने लगा सोए सो जागो ज्ञान। अब तो बाबा वृक्ष लता में जीव जंतु में सब में सीताराम समझने लगे और बड़े प्रसन्न रहे। भैया इतने का हो, भूखे शेर बन में फिरे और ढूंढत फिरे शिकार, बाबा पर झपटन लगे सोय अपनो मोहड़ो फार। शिकारी शेर जंगल में घूम रहे थे, बाबा को अचानक देख करके शेर झपटन लगे। ए भैया सेन ते कहा बोले, काय मचावत दंग। ओ भैया एकदम से बाबा बोले, अरे अरे शेर क्या करता है, अरे मेरे में तेरे में सब एक है, तू दंगा क्यों कर रहा है? काय मचावत दंग। ओ भैया भैया।
काहे कि दंगो मचाए रहे हो सुन लियो। ना कोई संग कछु लेके आवे, मत तू पाप गठरिया भे बांधे, हम तुम सब ही नंगा ओ भैया, काय मचावत दंगा ओ भैया, जवाब दिया बाबा ने शेर से, अरे भैया मो में तो में खड़ग सब में, लता पता जीव जंतु में सब में एक है, फिर तू काय के लिए ऐसी बात करता है। मोन तुम्हें और जीव जंतु में पर संग ओ भैया, काय मचावत दंग ओ भैया, आज बाबा कहने लगे देख मो में तो में सब में एक है, देख जा भैया। इतने शब्द सुने शेर के दिल में दया आ गई, ज्ञान दीप दिल दियो जगाई, सुनना लागे रे सत्संग ओ भैया, काय मचावत दंग ओ भैया, शेरों को बहुत अच्छा लगा, शेरों के जोट आके चोट बैठ गए, बाबा की बात सुनने लगे। कीरत सिंह प्यारे चरमनी को चेरा, स्वामी मेरी भी देर सुन लो, कीरत सिंह प्यारे चरमनी को चेरा, हारो तुम बाबा मेरा, दिल में भरी दो उमंग भूलो नैया, काय मचावत दंग ओ भैया, बाबा ने शेरों के झुंड के झुंड अपने बसीभूत कर लिए और बाबा आराम से वहां तप करने लगे हैं। भैया आगे क्या हुआ? अब मैया बिलबिलाने लगी, हाय मेयो रतना टेकरी को छोड़ के कहां चला गया, अब कहीं पता नहीं पता कहां गया। मां की ममता प्रबल है पर न मां को चैन, पोत्र मोह उमड़ा न लगो सो भर आई जल में। आज मैया कहने लगी अब क्या करूं, कहां देखूं उसे जाके। भैया ऐसी विपता पड़ी मैया पे, ऐसी विपता पड़ी लगी आंसू झड़ी रोबे मैया, अब तो दीखे न आगे को सैया, मैया
देसी पिपता पड़ी लागी आंसू झड़ी रो पे मैया अब तो दीखे न कोई रे सैया। हुआ भैया अरे दुनिया खनिया ने पतो बतायो दुनिया खनिया से पतो लगायो बाने करो इस्ताल बतायो भैया रामी एक दुलिया नाम का जो खनिया था उसने मैया बताओ मैया त्यो लाला विकट झाड़ी में कराए पे बैठा है तो से कह रहा हो एक तो से कह रहा हो साची मैया कराए पे रह रहा हो तेरो छैया जवाब दो मैया चली जा विकट बनी में करे स्थान पर वो बैठा है वहां न तो जल का सहारा न खाने का सहारा और काफी शेर शिकारी जंगल में घूम रहे हैं। मैया दुलिया खनिया की दुली चंद की बात सुने और मैया गई घबराई दौड़ी दौड़ी जा रही सुकरे पे पहुंची आई देखी सकल आज कुमार की हाल हुआ बेहाल ऐसो कठिन तप मत करे सुघर को चल मेलाल। मैया ने जवाब दो बेटा ओ बेटा रत्ना मेरे तू एक है ये तू क्या कर रहा है बेटा घर चल आए हाय क्या बोलो अम्मा मेरी माँ
जा यही ध्यान लगाऊंगो ना घर को जाऊंगो जननी घर जा यही
ध्यान लगाऊंगा ना लौट के आऊंगा। इस प्रकार से मैया काफी समझाती है, लेकिन अब रत्न एक नहीं मानता। क्या हुआ भैया? प्रात हो तमा चल दई छोड़ी कुमार की आस, धीरे धीरे चल दई सो मन में होती उदास। काफी समझाया लेकिन पुत्र रत्न नहीं मानता है। अब तो उनमें भगवान रम गए, अब नहीं लौटे। आस छोड़ के मैया घर आ गई। ओ भैया आगे सुनिए। 60 बरस ये तपकियों ने उनने सबके बनाए काम, प्रगट भई ही वहाँ पर कलयुगा में श्री राम। और भैया रामवीर आगे क्या हुआ? कलयुग में अवतार रूप बतलायो के करहे थे जंगल में मंगल चायो के। धन्य बाबा। जब तक सूरज चांद रहेगा रहे स्वामी का नाम, प्रगट भये है वहाँ पर कलयुग में श्री राम। और भैया रामवीर इस प्रकार से बताते हैं हमारे जो लोग जिन्होंने बाबा के आगे से देखा कि बाबा ने क्या क्या काम किए। खनिया डारे पटिया और को खंडा है, भक्तरे बन गयो बंडा देखो कुछ, ये भक्त बन गयो वहाँ पर कुत्ता बंडा है। और क्या? बाबा के संग नोता खावे कुत्ता गाम और गाम, प्रगट भई है वहाँ पर कलयुग में श्री राम। और भैया अमीर बाबा को करहे पे खेल निरालो है, बिल्ली को कुतिया ने बच्चा पालो है, धुंधकारी शिष्य बाबा के करिश्मा करे तमाम, प्रगट भई है वहाँ पर कलयुग में श्री राम। बाबा के काफी शिष्य बने। लखनदास जी जो अन्न खाकर आत्माओं से निकाल देते बाहर, कई शिष्य हुए। और यानी मस्त राम जी, गंगादास और सबसे श्रेष्ठ रामदास रहे। जब बाबा ने देखा ये तो तप में मेरी बराबर हो गए, तो भैया बाबा ने फिर अपना चोला छोड़ा। कब? फागुन महीना लगे भैया के कृष्ण अष्टमी आई है, संवत 2015 में घड़ी समाधि की आई है। भैया रामवीर ने देखा कि रामदास मेरा शिष्य मेरी बराबरी में आ रहे हैं, तो बाबा ने 2015 में फागुन के महीना में 8वीं को समाधि ले ली है। और मैं क्या विनय करता हूँ बाबा से, भूल चूक है कहूँ लिखत में माँ पकड़ो मोए स्वामी ये, कर रहे मेरो धरो रहे मेरो चित चरणों में, मैं तो सेवक अज्ञानी हूँ। मैं
रामदास महाराज जी की जीवन कथा इसी कमल कैसेट के माध्यम से दूसरे भाग में सुनाऊंगा और आप लोग मेरी कथा को बड़े प्रेम से सुनना और ये कथा मेरी यही संपन्न होती है। लगो रहे मेरा चित्त चरण में तो सेवक अज्ञानी, रतन दास की तो जीवन कथा रे कैसे तमें ये बखानी।